आज हम पढ़ेंगे लेंस की अभिसारी तथा अपसारी क्रिया। लेंस की अभिसारी क्रिया उत्तल लेंस में होती है और अपसारी क्रिया अवतल लेंस में होती है। अभिसारी क्रिया में क्या होता है कि किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित किया जाता है, जबकि अभिसारी क्रिया में क्या होता है कि जो भी किरणें होती हैं वो एक बिंदु से चारों दिशाओं में फैल जाती हैं। तो अभिसारी क्रिया उत्तल लेंस में होती है और अपसारी क्रिया अवतल लेंस में होती है। अब अभिसारी क्रिया उत्तल लेंस में देखेंगे हम किस तरह से होती है कि सबसे पहले तो हम उत्तल लेंस बना देंगे और हमें पता है कि लेंस में अगर कोई पतला लेंस है तो अपवर्तन 20 से हो जाता है। यहाँ पर हम लाइन खींच देते हैं, ये बन जाती है लेंस की मुख्य चौड़ी, हो जाएगा लेंस का प्रकाशिक केंद्र। यदि हम क्या करते हैं लेंस की मुख्य कक्ष के समांतर प्रकाश की किरणों को डालें, ये सभी जो किरणें हैं वो सब किरणें मुख्य कक्ष के समांतर चल रही हैं, तो ये सभी किरणें जब मुख्य कक्ष के समांतर चलती हैं और लेंस पर जाकर गिरती हैं तो लेंस इन किरणों का अपवर्तन कर देता है और अपवर्तन के बाद ये सभी किरणें लेंस की मुख्य कक्ष की ओर मुड़ जाती हैं, यानी मुख्य कक्ष पर एक बिंदु होता है उस बिंदु की ओर एकत्रित हो जाती हैं। तो यह क्रिया कहलाती है लेंस की अभिसारी क्रिया, या हम कह सकते हैं उत्तर लेंस की अभिसारी क्रिया। तो अभिसारी क्रिया में किरणें चारों दिशाओं से आती हैं और एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं। ये लेंस कौन से लेंस में होता है, उत्तर लेंस में। जबकि अवतल लेंस में यदि किरणें मुख्य कक्ष के समांतर चलें, जैसे ये किरणें हैं सब मुख्य कक्ष के समांतर चल रही हैं, तो अवतल लेंस क्या करेगा, जैसी ही किरणें अवतल लेंस पर गिरेंगी अवतल लेंस से इन किरणों का अपवर्तन होगा और अपवर्तन के बाद ये चारों दिशाओं में फैल जाएंगी, यानी मुख्य कक्ष से दूर की ओर चली जाएंगी। तो देखो यहाँ से किरण यहाँ पर तक आएगी, यहाँ से अपवर्तन के बाद ये किरण मुख्य कक्ष से दूर चली गई। अगर हम इन सभी किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएं तो हमें लगेगा एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो उत्तल लेंस किरणों को एक बिंदु की ओर एकत्रित करता है जबकि अवतल लेंस किरणों को चारों दिशाओं में फैला देता है। तो यही क्रिया है अभिसारी और अपसारी क्रिया। इसलिए उत्तल लेंस में अभिसारी क्रिया होती है तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, जबकि अवतल लेंस में अपसारी क्रिया होती है तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो यहाँ से हमने अभिसारी और अपसारी क्रिया के बारे में जाना। कैसे हम पीछे अपसारी किरणपुंज अपसारी किरणपुंज पढ़ चुके थे, तो ये सब क्रियाएं लेंसों में होती हैं। तो ये उत्तल लेंस में होती है अभिसारी और अवतल लेंस में होती है अपसारी क्रिया। अब हम एक बार डेफिनेशन बनाएंगे, तो किस तरह से डेफिनेशन बनेगी इसकी अभिसारी क्रिया की। उत्तल लेंस मुख्य कक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात मुख्य कक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु की ओर मोड़ देता है। इस क्रिया को उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया कहते हैं। यदि हम अवतल लेंस की अपसारी क्रिया की बनाएं डेफिनेशन, तो अवतल लेंस मुख्य कक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात मुख्य कक्ष से बाहर की ओर मोड़ देता है। इसे अवतल लेंस की अपसारी क्रिया कहते हैं।